खबर सीहोर जिले से है, जहां 502 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले माइक्रो लिफ्ट एरिगेशन योजना लागू होने से पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना से 35,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का लाभ मिलेगा, लेकिन किसानों का आरोप है कि खेतों में पानी देने के नाम पर अधिकारी और ठेकेदार मिलकर करोड़ों का गोलमाल कर रहे हैं। कंपनी किसानों को खेत में पाइपलाइन कन्वेक्शन देने का दावा कर रही है, लेकिन किसानों का आरोप है कि उनके खेतों में नियम अनुसार पानी सप्लाई का कनेक्शन नहीं दिया गया। ये पूरा मामला सीहोर जिले के नरसुल्लागंज और खातेगांव ब्लॉक का है। जो लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम है, उसमें जो फील्ड में किसानों के खेतों में पाइपलाइन और जो कनेक्शन देने थे और उनमें से कनेक्शन होने थे, उसमें कुछ व्यावहारिक दिक्कतें और परेशानियों का मुझे यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ पाइप की गुणवत्ता और कुछ बेसिक इश्यूज के बारे में भी मीडिया के साथियों ने बात रखी है। तो अभी मैंने कंपनी के अधिकारियों को बुलाया है, NVDA के अधिकारी को भी बुलाया है, और हम कोशिश करेंगे कि अन्य विभाग के लोगों को इसमें जोड़े और जोड़ के हम लोग जो है थर्ड पार्टी टाइप का वेरिफिकेशन करवा लें, और जितनी गुणवत्ता का हम लोगों ने एश्योरेंस किया है वो सारी गुणवत्ता हम लोग फॉलो अप कराएंगे। जो मेरे नाम से खेत है उसके नक्शे के हिसाब से और जो उनके मानदंड है उनके मानदंड के हिसाब से 3 कनेक्शन आ रहे थे, तो पहले तो उन्होंने 1 कनेक्शन दिया उसमें। उसके बाद में लगातार उनका जो कंपनी है शाहपुर जी पालन जी, उनका ऑफिस में गया तो उनसे बात हुई, तो उनसे लगातार उन्होंने कहा कि 1 के अलावा नहीं देंगे। फिर मैंने बताया कि उनके नक्शे वगैरह की स्थिति बताई, उनसे कहा कि आप क्या क्राइटेरिया है, तो उन्होंने फिर मेरे उसमें 2 कनेक्शन निकाल दिए, तीसरा फिर भी नहीं दिया।